ओ अंदर की तरफ लाए थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी बोलर्स की। पहली ओवर में इस तरह की कसी हुई गेंदबाजी कर रही तो उपविजेता और विजेता के बीच महामुकाबला संघर्ष जारी है। और पिछले बार मुझे लगता है कि पौड़ी लायंस यहां पर हिसाब चुकता करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से फाइनल में उनको हार का मुंह देखना पड़ा था जय मां कालिंका स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा। और इस बार बहुत ही नीची रहती थी गेंद, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे और फिर से डॉट बॉल कराने में कामयाब। जब उन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पर चैंपियन बनी थी बसंत कुल के खूबसूरत से दम पर, यहाँ पर हवा में उजाला था, मगर किस्मत वाले रहे कि शॉर्ट स्क्वेयर लेग के खिलाड़ी भी काफी दूर थे, विकेट कीपर भी वहां पर गए थे, मगर अंपायर का इशारा बाई के रूप में रन यहाँ पर और स्कोर का सिलसिला। उस टीम की कप्तानी कर रहे थे मगर पुष्पेंद्र इस मैच में कप्तानी नहीं कर रहे, मगर पूरा सपोर्ट इस बार बहुत ही खूबसूरत पहला झटका यहाँ पर मिलता हुआ और इस तरह से आउट होने वाले खिलाड़ी थे दीपक बिष्ट बाजी कर रहे हैं। देवेंद्र पहले ओवर में विकेट उनको मिल चुका है, एक बार फिर से काफी लंबा रन उनका, उछाल लोग भी के कांधे का इस्तेमाल किया था, पटकी हुई गेंद थी और सीधे विकेट कीपर के हाथों में चले गए और कोई रन नहीं। थोड़े से यहाँ पर सावधानी बरतने की कोशिश करनी होगी जय मां कालिंका स्पोर्ट्स। तो जैसे आपने सूचना सुने कि पिछले जो ग्राउंड पर मुकाबला चल रहा है, सांसें रोक देने वाला मुकाबला चल रहा है, इस बार बहुत बेहतरीन शॉट मगर फील्डर वहां पर मौजूद थे, फ्लाई स्लिप के साथ पर ही गेंद को रोक लिया और एक रन से ही। तो जैसे मैंने कहा कि विजेता और उपविजेता के बीच यहाँ मुकाबला संघर्षपूर्ण जारी है, देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन का। और आप जानते हैं कि बसंत कुंज के जब खूबसूरत स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ था, दोनों ही टीमों का आमना सामना हुआ था और उस मुकाबले में काफी रोमांचकारी मुकाबला रहा। जैसे मैंने कहा कि जैसे फाइनल मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, बिल्कुल वैसा ही नजारा था बसंत कुंज के स्टेडियम में। जो भी दर्शक और चेतन वहाँ पे बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे और अब बॉलिंग में चेंजिंग हो रहा है, बॉलर नहीं दूसरा बल्ले का बहुत बढ़िया गेंद थी अंदर के और पूरी तरह से जगमगा गया और किस्मत वाले रहे कि हम को गलत डिसीजन नहीं दिया। फिर से अनुकूल होते हैं जब आपके टीम के ऊपर मुश्किल परिस्थिति और उस वक्त आप बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, मुश्किल परिस्थिति से अपने टीम को बाहर निकालते हैं, तो बड़े खिलाड़ी की निशानी एक बार फिर से लक्ष्मण, दोनों ही सलामी बल्लेबाज जय मां कालिंका स्पोर्ट्स क्लब के लिए आज कुछ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज बदला चुकाने मौका बदला बॉलर चुके और जोरदार अपील की, हालांकि इन स्विंगर गेंद थाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी और पूरी तरह से बल्लेबाज के लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई, बड़ी परीक्षा लेते हुए वहां पर करण सिंह रावत। जब आपको एक खुराक मिल जाती है तो फिर आप इस तरह की गेंदबाजी अक्सर करते आए हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं करण सिंह रावत, एक सफलता आपसे टकराई है, जोरदार अपील की है मगर अपना फिर कोई असर। अनूप रावत जी अंपायर का इशारा लेग बाई का और स्कोर काफी धीमी गति से चल रहा है, तीन रन समझ आऊंगा पांच रन दो खिलाड़ी के आउट होने के बाद जय मां कालिका स्पोर्ट्स क्लब की टीम बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी कर रहे हैं, पौड़ी लायंस के बॉलर और फील्डर एकजुट होकर खेल रहे हैं और उसका फल उनको मिला है। अगली गेंद इस ओवर की फिर से बहुत खूबसूरती से एक रन भाग कर पूरा कर रहे हैं और देखिए एक रन के लिए किस तरह से जूझना पड़ रहा है जय मां कालिका स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। स्कोर हुआ छह दो खिलाड़ी के आउट होने के बाद दो ओवर की समाप्ति के बाद काफी कंजूस भरी गेंदबाजी देवेंद्र और करण सिंह रावत की तरफ से, बहुत ही अपना काम तो कर दिया उन्होंने और काफी खुश होंगे
पौड़ी लायंस के कप्तान जिस तरह के भी ये वो फिर से देवेंद्र गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं और पिछला ओवर कितना बढ़िया था, एक विकेट उन्होंने जिस तरह से लिया। से एक और विकेट और लिया जाए, बहुत ही घातक गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो जानते हैं कि बड़ा मुकाबला है, कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, काफी निर्णायक और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। पिच कदमों से हमारी तरफ आते इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से बल्लेबाज समझ नहीं सके और फिर उन्होंने अपने स्टंप कवर किए और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। तो आज जय माँ काली का स्पोर्ट्स क्लब की टीम के ऊपर थोड़े से मैं कहूँगा कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा कि जय माँ काली का स्पोर्ट्स क्लब की टीम के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद तो हमेशा रहा है। इस बार उन्होंने द्वारिका में भी चैंपियन बने थे और यहाँ पर फिर से कुछ काफी कमाल की गेंदबाजी है। तो बहुत ही बढ़िया पौड़ी लायंस के बोलर्स आज कोई भी कतई भी यहाँ पे गलती नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जय माँ काली का स्पोर्ट्स क्लब के बोलर भी काफी खतरनाक है। तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल रूम ना दिया जाए बल्लेबाजी को, स्कोर पर उनको रोकने की कोशिश करेंगे और उसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है और काफी दोनों पर अंकुश लगाने में कामयाब, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया मगर किस्मत वाले रहे, फिर भी एक रन तो मिल ही गया। बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं देवेंद्र, शॉट गुड लेंथ स्पोर्ट्स में टिप्पा करवा रहे हैं और उछाल लेते हुए कांधे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इन सिंगर और आउट सिंगर गेंदे कर रहे हैं और सीम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, सही इलाके में गेंदे कर रहे हैं और उसका फल को मिला है। तो बार फिर से देवेंद्र इस बार बाहर की तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ फील्डिंग की और सरपट भाग लिए एक रन के लिए और फिर मिस फील्ड हुआ है जिसका खमियाजा भुगतना होगा, तोपे में मिलने रन पांच, बोनस रन कहूंगा मैं। रन काफी है गेंदबाजी में, फिर बॉलर्स आप पर हावी होते हैं तो एक काम तो होता है यार, जब बल्लेबाज आपके ऊपर हावी होता है तो फिर थोड़ा सा गेंदबाज का मनोबल टूट जाता है, अगले गेंद का फिर ये अच्छी लाइन बेहतर लाइन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और उसने ही बढ़िया समझदारी दिखाई। मैंने जैसे देखा कि बढ़िया गेंद है अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया और जाने दिया विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। तो अभी भी स्कोर 31 रन दो खिलाड़ी आउट होने के बाद जय माँ काली का स्पोर्ट्स क्लब और पौड़ी लायंस के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला ग्राउंड पर इस बार हमारे शॉटर खेला है विकेट की तरफ और वहां खिलाड़ी भागे जा रहे हैं, एक रन पूरा किया है मगर एक रन से संतुष्ट होना बहुत ही बढ़िया समझदारी उन्होंने की थी। मात्र एक रन और फिर दूसरे के लिए पलटना चाहते थे और फिर दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने पैरों पर ब्रेक लगाए और सुरक्षित अपने घर में सुरक्षित है दोनों का मोबाइल, बहुत ही बढ़िया समझदारी क्योंकि काफी जोखिम भरा रन हो सकता था और ये सोच रहे कि पहले से संकट के बादल टीम के ऊपर मंडरा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा विजेता और उप विजेता के बीच यहाँ पर बढ़िया शॉट बैकर्स के अलग की तरफ खेला और एक रन भाग कर पूरा कर रहे हैं। परवीन की गेंद टच में किस में करती हुई लगातार बल्ले के आसपास से निकल रही है, अगली गेंद डॉट बॉल भाई ये महंगी दे रहा है बहुत ज्यादा, कुछ रन आएंगे खूबसूरत और चार रन मिलेंगे। अगली गेंद हल्के से उसको खेला मिड विकेट की तरफ, एक लंबी चेज होगी फील्डर के लिए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं जमा कदम और पूरे भी हो जाएंगे, बहुत सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट माँ कालिंका के इन भक्तों की। ओवर की समाप्त हुई है, 41 रन बन चुके हैं, पांच ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन प्रति ओवर की रन गति से अगर इसी तरह खेले तो 120-122 के आसपास